प्यारे बच्चों, आज की आत्मकथा का शीर्षक है फटी हुई पतंग की आत्मकथा। मैं एक फटी हुई पतंग हूँ। मेरा जन्म कुछ दिन पहले इसी शहर में हुआ था। मेरे साथ मेरी बहुत सी बहनें थीं। कई कारीगरों ने कागज और बांस की तीलियों से हमें बनाया था। तब मेरा रूप देखते ही बनता था। उन लोगों ने हमें एक दुकानदार के हाथों बेच दिया। शाम को एक लड़का उस दुकान से बहुत सी पतंगें खरीद कर ले गया। उनमें मैं भी थी। उस लड़के को पतंग उड़ाने का बहुत शौक था। उसने सभी पतंगों में दो दो छेद किए और धागे बांधे। मकर संक्रांति के दिन वह ढेर सारी पतंगे तथा धागे की चरखी लेकर अपने मकान की छत पर पहुंचा। उसने सबसे पहले मुझे ही उड़ाया। आसमान में पहुंचकर मैं फूली न समाई। जोश में मैंने अपने आसपास उड़ने वाली कई पतंगों को काटकर नीचे गिरा दिया। तभी एक पतंग ने मुझे जोरदार धक्का दिया। मैं नीचे गिरी और एक पेड़ में उलझ गई। तब से मैं इसी पेड़ पर टंगी हुई हूँ। अब पता नहीं मेरे भाग्य में क्या लिखा है। चैनल को सब्सक्राइब करें।